जब भी कैल्शियम की बात आती है हमारे जहन में सबसे पहले दूध का नाम आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि आज जो हम दूध पी रहे हैं वो क्या वाकई में दूध है, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, या मिलावट की भरमार वाला सफेद जहर हम पी रहे हैं। अगर आज भी आपको ऐसी गाय या भैंस का दूध मिल जाए जो जंगल में चरती हो और साफ सुथरी घास और चारा खाती हो, तो आपको किसी और सोर्स से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें दूध भी आज मिलावटी मिलता है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी बॉडी को मजबूत बनाए रखने के लिए, हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए। आज मैं आपको दूध के अलावा ऐसे 6 फूड्स या भोजनों के बारे में बताऊंगा जिनके अंदर कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है और ये बहुत ही अच्छी मात्रा में इनके अंदर पाया जाता है। वैसे आपको एक और पते की बात मैं बता दूं कि हमारी बॉडी का करीब 99% कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर पाया जाता है, बाकी सिर्फ 1% जो है वो हमारे खून और सॉफ्ट टिश्यूज में होता है, जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, अदरवाइज आपको और भी कई सारी बीमारियां डेवलप हो सकती है। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि दूध के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि दूध से केवल 30% कैल्शियम ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। दूसरी तरफ वेजिटेबल्स, नट्स या फ्रूट्स वगैरह से मिलने वाला जो कैल्शियम है वो करीब 40-45% तक हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपको अपने भोजन से या दूध से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो आपके अंदर विटामिन D3 की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विटामिन D3 आपके शरीर में कम होगा तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें या दूध पी लें, कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो ऐसे ही लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर विटामिन D3 की भरपूर मात्रा आपके शरीर में है तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को 20 गुना तक बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक गिलास दूध पीते हैं तो आपको 20 गिलास दूध का फायदा मिलेगा। इससे क्या बात पता चलती है कि आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी लेना चाहिए, तभी इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन 6 भोजनों के बारे में जिनके अंदर कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो कैल्शियम है वो देखिए बकरी के दूध में होता है, ये फैक्ट है। करीब 327 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है एक गिलास बकरी के दूध से, और वैसे ही करीब 320 ग्राम आपको गाय के दूध से कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन यहाँ हमें दूध के अलावा कैल्शियम के दूसरे सोर्सेस के बारे में बात करनी है, तो आइए बात करते हैं उन 6 सोर्सेस के बारे में जिनसे आपको कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा मिलेगी। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है दूध के अलावा कैल्शियम का सोर्स होता है फिश, यानी कि मछली। मच्छी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। एक सेरेडीन के नाम से एक फिश आती है, अगर आप 100 ग्राम सेरेडीन फिश खा लेते हैं विद बोन्स, तो आप मान के चले कि करीब आपको 325 मिलीग्राम कैल्शियम इससे मिल जाएगा। इसी तरह से जो बाकी सी फूड्स हैं या दूसरी फिशेज हैं उनके अंदर भी कैल्शियम की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ इससे आपको विटामिन डी के साथ विटामिन ए भी मिलता है, और जैसा हमने पहले बात की विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसलिए मछली आपको काफी फायदेमंद होती है। दूसरा सोर्स होता है दोस्तों अंडे, एग्स। अंडे के अंदर भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। आपको 3 एग्स से करीब करीब अगर आप जर्दी के साथ खाते हैं तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब अगर आप वेजिटेरियन है तो क्या करें, ऊपर तो हमने नॉन वेज की बात कर ली, तो उसके लिए भी देखिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे जो आपकी फली वाली सब्जियां होती हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तो सोयाबीन अगर ऑर्गेनिक मिल जाता है तो बेस्ट है। इसके साथ साथ आपको दालें, मूंगफली, ये भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं, और साथ में काला चना बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। आप इन सबको चेंज करके ले सकते हैं, रोज रोज सबको एक साथ खाने की जरूरत नहीं है, किसी दिन एक भोजन कर लें, किसी दिन एक चीज खा लें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा हरी सब्जियां जैसे पालक, भिंडी, ब्रोकली और साग, इनके अंदर भी कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम साग सब्जी वगैरह खा लेते हैं
तो उससे आपको करीब 80 से 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। अब बात करते हैं चौथे भोजन के बारे में। चौथे भोजन में आता है हमारे जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, मेवे हो गए। ड्राई फ्रूट्स भी जैसे बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, ताल मखाना है, इनके अंदर तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन खसखस, तिल, सौंफ और चिया सीड जो है, चिया सीड जिनको कहते हैं, इनके अंदर कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छे सोर्स है कैल्शियम के। इन सबको आप रोज एक एक साथ ना लें, इनको भी किसी एक दिन एक मेवा खा लें या एक ड्राई फ्रूट खा लें, किसी दिन दूसरा मेवा या दूसरा ड्राई फ्रूट खा लें। इससे भी आपको क्वालिटी कैल्शियम मिलेगा और दूसरे मिनरल्स भी आपको ड्राई फ्रूट्स के साथ मिल जाएंगे। नंबर पांच हम बात करते हैं दोस्तों फ्रूट्स के बारे में या फलों के बारे में। तो ऑरेंज यानी कि संतरा, पपीता, ड्राई अंजीर, इनके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ड्राई अंजीर तो बहुत ही बेहतरीन है। इनमें से आप कोई भी फल लेंगे तो करीब आपको 100 ग्राम फल खाने से 40 से 50 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। सूखा अंजीर इनमें बेस्ट माना जाता है कैल्शियम के लिए। अब दोस्तों एक और जो बेहतरीन सोर्स है वो होता है एग शेल्स। हम अंडे का छिलका उतार के फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अंडा खाने के बाद उसके शेल को ना फेंकें, उसको धो लें, फिर सुखा लें, मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसका आप बारीक पाउडर बना लें। करीब आधा चम्मच जो ये पाउडर आपने बनाया है उसके अंदर 800 से 900 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाएगा। और आप देखिए कि आप एक कैल्शियम की टैबलेट जो लेते हैं उसके अंदर भी इतना कैल्शियम नहीं होता, तो इससे कहीं आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये कहीं ज्यादा असरदार होगा आपकी उस कैल्शियम की टैबलेट से। इसकी बहुत सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं और ये बेस्ट कैल्शियम का नेचुरल सोर्स माना गया है। इसके अलावा इसकी जगह आप शी सेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी सेल्स के अंदर भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब के साथ साथ आपको सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सनलाइट से आपको विटामिन डी थ्री मिलेगा। और जैसा हमने पहले बात की, विटामिन डी थ्री आपको चाहिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। आप कुछ भी खाएंगे अगर विटामिन डी थ्री नहीं है तो फिर आपका कैल्शियम शरीर में नहीं जाएगा, हड्डियों में नहीं जाएगा, खून के अंदर नहीं जाएगा। तो आप कोई भी कैल्शियम लें, कोई भी भोजन लें, दूध पिए, मगर आपको विटामिन डी थ्री भी लेना जरूरी है। विटामिन डी थ्री की कमी को भी पूरा करना जरूरी है। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।